चलो हम सीवी के बारे में ही देखते हैं अभी। चलो हम डायरेक्ट जो लाइव है वो लाइव में आपको डेमो दिखाते हैं कि कैसे सीवी बनाना है। मतलब ये सब कुछ दिया गया है, सिर्फ आपको एडिट करना है, टाइप करके अपना जो डिटेल्स लिखना है। तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर यूट्यूबर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सीवी कैसे बनाना है। वो बहुत इजी काम है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे सीवी बनाना है, तो वो दूसरे के पास जाते हैं, भाई मेरा एक सीवी बना दो ऐसा बोल के। लेकिन आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा किसी के पास जाके, आप खुद अपना मोबाइल में, मैं ये जो बता रहा हूँ ये मोबाइल में आप खुद अपना सीवी बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी से। तो मोबाइल में आप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप प्ले स्टोर को जाइए। सीधा प्ले स्टोर को जाने के बाद एक सिंपल सा ऐप है, वो जो है डॉक्स, जिसको बोलते हैं DOCS। तो आपका ऊपर आ गया गूगल डॉक्स, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल हुआ है, इसीलिए मेरे को इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओपन करके उसमें जा सकता हूँ। तो ये चीज़ है डॉक्स, तो इसमें आप आसानी से अपना रिज्यूम बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आप जाइए, आप इसमें डायरेक्ट, अगर रिज्यूम का आपको पैटर्न मालूम है कि पहले क्या लिखना है, पहले क्या लिखना चाहिए, और जो नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन लिखना है, एक्सपीरियंस लिखना है, जो भी है आप लिख सकते हैं इधर। अदरवाइज आपको अगर सैंपल की ज़रूरत है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सैंपल ले सकते हैं। इधर दूसरा ऑप्शन है चूज टेम्पलेट, तो इसमें क्लिक कर दीजिए तो आपको आ जाएगा इधर सीवीज। इसमें बहुत सारा है, तीन ऑप्शन है, ये देख लीजिए। सीवी का पैटर्न दिया है, फॉर्मेट, जो आप कौन सा भी सिलेक्ट करके आप अपना लिख सकते हैं। तो ये मोबाइल में ऐसा आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट आप इधर एडिट कर सकते हैं, जिधर जिधर जो भी चीज़ मांगा है। जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं आप, योर नेम, आपका नाम इधर डाल सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। तो ये इसको हम बड़ा करने के लिए ये राइट साइड में जो ट्रिपल डॉट दिया गया है उसको क्लिक करते हैं, फिर उसका प्रिंट लेआउट ऑप्शन में ले लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़। योर नेम, आपका नाम लिख सकते हैं इधर, आपका नाम, एड्रेस लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये तो पहले आपको टॉप में लिखना चाहिए। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपका स्किल्स, आपको क्या मालूम है, आप कौन सा प्रोफेशन में काम करते हैं, आपका स्किल्स जो है आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब आपका एजुकेशनल स्किल्स जो है, आपका कैसे, आप होटल में काम करते हैं या फिर आप कोई स्किल्ड एम्प्लॉय है, जैसे कि एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, वो सब चीज़ आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऐसे लिखना है आपका, दो चार कंपनी में एक्सपीरियंस है तो पहले जो रिसेंट कंपनी है उसका डिटेल्स लिखना चाहिए, कंपनी का नाम, कितना साल काम किया, क्या काम किया, उसमें आप उधर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में स्कूल, एजुकेशन, एजुकेशन में स्कूल का नाम और जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना चाहिए, और एवर्ड्स लास्ट में आप एवर्ड्स के बारे में भी लिख सकते हैं। चलो ये पैटर्न आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बैक कर लीजिए। फिर जो दूसरा पैटर्न है, तो ये दोस्तों दूसरा पैटर्न है, हम देखेंगे अभी कि जो दूसरा पैटर्न है उसमें आपका नाम भी लिख लीजिए, एक्सपीरियंस लिख लीजिए, उसके बाद एजुकेशन लिख लीजिए, और प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट में आप काम किए हैं वो सब लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी है, इसको हम फुल पेज में देखेंगे। तो ये फुल पेज में आ गया, मतलब पूरा डिटेल्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक साइड में आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स लिखने के बाद इधर स्किल्स, एवर्ड्स, लैंग्वेज, जो भी आपको मालूम है, पर्सनल डिटेल्स, वो सब लिखना है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आप आराम से अपना जो रिज्यूम है, सीवी बना सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं और बायोडाटा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप इजी से अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं ये काम। तो दोस्तों इधर आप देख लिए सीवी का जो तीन फॉर्मेट दिया गया है, उसके नीचे और दो फॉर्मेट भी है, उसके बाद लेटर्स कैसे लिखना है वो सब कुछ दिया गया है इधर। तो चलो हम सीवी के बारे में ही देखते हैं अभी। चलो हम डायरेक्ट जो लाइव है वो लाइव में आपको डेमो दिखाते हैं कि कैसे सीवी बनाना है। मतलब ये सब कुछ दिया गया है, सिर्फ आपको एडिट करना है, टाइप करके अपना जो डिटेल्स लिखना है। तो ये ईयर नेम के जगह में आपको ईयर नेम लिख सकते हैं, तो डबल टिक कर दीजिए, उसको डबल टैप करने के बाद आपका आ जाएगा। तो इधर आप अपना नाम जो लिख सकते हैं, तो इधर आप जो पहले से दिया गया है उसको डिलीट मार लीजिए,
फिर अपना नाम जो है वो नाम दे दीजिए, कोई भी नाम आपको, आपका नाम चलो विकास है, विकास गुप्ता है, तो आप विकास गुप्ता लिख सकते हैं। फिर लिख लिए, उसके बाद आपका जो नीचे आपको ये करना पड़ेगा कि आपका विकास गुप्ता लिखने के बाद आपको नीचे आपका जो प्रोफेशनल, आपका जो डिजिग्नेशन है, आप एक होटल मैनेजमेंट हैं, चलो होटल मैनेजर लिख लीजिए, होटल मैनेजर हो गया, या आपका जो है वो डिटेल्स हो गया। उसके बाद इधर आप राइट साइड में आ जाइए, फिर आपका नाम इधर अच्छा से लिख लीजिए, और आपका नाम लिख लिए विकास गुप्ता। उसके बाद आपका एड्रेस इधर डालना है, तो आपका एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर, जैसे भी आपको जो मोबाइल नंबर मालूम है आप वो मोबाइल नंबर डाल कर दीजिए, मतलब इधर लिख लीजिए। फिर आपका ईमेल आईडी में आपका जो ईमेल आईडी है आप इधर डाल सकते हैं। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, इधर डेमो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। बाद में आपको नीचे जो है, उसके बाद स्किल्स है, आप अपना स्किल्स क्या है, आप होटल में क्या काम करते हैं वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपका कौन सा होटल में कितना एक्सपीरियंस है वो आप इधर लिख सकते हैं। तो होटल्स का नाम आप मैरियट होटल लिख लीजिए, मैरियट इंटरनेशनल, मैरियट इंटरनेशनल होटल हो गया। फिर आप इधर आपका जो कितना साल काम किया, चलो आप नीचे लिख लीजिए 2017 से लेके 2019 तक 2 साल इधर काम किया। फिर उसमें काम क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो कंपनी है, आप उसमें कितना साल काम किए वो सब आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आपका आ गया एजुकेशन, एजुकेशन में आप कौन सा स्कूल में पढ़ाई किए, उसके बाद क्या आपका सब्जेक्ट था, उसके बाद आपका जो आ गया कॉलेज, उसके बाद नेक्स्ट आप कॉलेज यूनिवर्सिटी उसका डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर जो है आप इसको अच्छा से सेव कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ये हो गया आपका रिज्यूम, रेडी हो गया। बाद में इधर जो लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर का टिक है आप उसको टिक कर सकते हैं, तो आपका रिज्यूम तैयार हो गया। तो आपका रिज्यूम को फुल पेज में आप देखने के लिए प्रिंट लेआउट को क्लिक कर दीजिए, फिर आपका रिज्यूम ये हो गया विकास गुप्ता, आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो आप ये CV आपका रेडी हो गया, ये CV अभी आप जॉब के लिए, उनका जो मेल आईडी है, जो भी कंसल्टेंसी या एजेंसी वाला या डायरेक्ट कंपनी का थ्रू में, आप डायरेक्ट उनका जो मेल आईडी को अपना CV भेज दीजिए। CV भेजने से पहले आप सब्जेक्ट में लिख दीजिए कौन सा पोस्ट के लिए, कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़रूर लिखिएगा। तो ये बहुत आसान है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग आसानी से अपना CV बना सकते हैं। तो ये कुछ CV का सैंपल है, आप देख सकते हैं ये सिंपल है, और कुछ में आप फोटो एडिट कर सकते हैं, जैसे राइट साइड ऊपर का कॉर्नर में आप फोटो भी एडिट कर सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।